वेलकम बैक टू अम्मी का चाहा। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, शेयर माय वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अम्मी का जहाँ। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपके सामने आज पानी पूरी की जो पूरी होती है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, यम्मी एंड क्रंची है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, कम समय में बन जाती है ये, और इसके अंदर बहुत सी ट्रिक्स भी मैंने बताई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो हमें चाहिए 1 कप वाटर। ये रूम टेम्परेचर रहना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप सूजी, सूजी आप मोटी भी ले सकते हैं, पतली भी ले सकते हैं, जैसे चाहिए। और 1/4 टीस्पून हमें चाहिए नमक, नमक ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो चलिए इसका डो बनाएंगे हम। आटा ऐड करेंगे, सूजी ऐड करेंगे, नमक हमारा ऐड करेंगे। एकदम अच्छे से आपको तीनों चीज़ को मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। चलिए पानी ऐड करेंगे हम, और इसका डो जो है वो हमें थोड़ा टाइट बनाना है, ना ज़्यादा लूज बनाना है ना ज़्यादा टाइट, बस थोड़ा सी बनाना है। जैसा आप रोटी के लिए डो बनाते हो उसी तरीके से बनाना है, लेकिन थोड़ा सी ज़्यादा टाइट करना है उसे। पूरी बहुत ही अच्छी बनती है, आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो जो आटा है वो गुलटी गुलटी रह जाएगा बीच में। अगर आपको और भी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। डो हमारी रेडी हो गई है, इसी तरीके से आपको बना लेना है। 1/2 कप पानी आपको ऐड करना है। ऐसे ही टाइट डो बनाना है। देखिए 1/2 घंटे तक, 1/2 आवर के लिए आपको जिप लॉक बैग में डालकर बंद, आपको जिप लॉक बैग में डाल देना है। या नहीं आपके पास जिप लॉक बैग अवेलेबल तो आप गीले कपड़े में करके रख दें। आटा जो है वो सूखना नहीं चाहिए, 1/2 आवर तक आपको रख देना है ऐसे ही। चलिए 1/2 आवर तक मिलते हैं हम बाद में 1/2 आवर के। हमारे 1/2 आवर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें आटा निकालना है और अच्छी तरीके से मसल लेना है इसे 1 मिनट के लिए। देखें, अच्छी तरीके से आपको मसल लेना है इसे, और एकदम 1/2 आवर 1/2 घंटे के लिए ही रखना है, और आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मसलने, ज़्यादा नहीं मसलने इसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके और फैमिली एंड फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें। तो चलिए अब हम इसे पूड़ी बनाएंगे, इसकी बेलेंगे। पहले छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, बाकी का आटा आपको ऐसे ही रख देना है जिप लॉक बैग में या गीले कपड़े में। फिर हमें हम बेलेंगे इसे। छोटी छोटी गोलियां आपको बनाना है इसी तरीके से। ये पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप नमक जरूर इसमें डालना, ऑप्शनल है फिर भी। यहाँ पे हमने देखिए, आपने ऊपर जो तेल है वो गर्म होने के लिए चढ़ा दी है,
जब तक कि हमारी गोली और घी बेलेंगे हम पूरी हमारी, यहाँ पर तेल गर्म होते रहेगा, एक साथ दो दो काम हो जाएगा हमारा। जो गोली हम बनाए वो गोली लेना, अच्छे से गोल कर लेना है। हमारा जो आटा रहता है उसमें डाल कर देखिए ऐसे आपको बेल लेना है, और जो साइड नीचे है आपको वैसे ही कढ़ाई में भी डालना रहेगा पैन में, पलट पलट कर, और इसको नहीं बेलना है। और इसकी थिकनेस आप देख लो, इतनी ही थिकनेस रहना चाहिए। और जैसे आप ऐसे रखे हो यहाँ पर उसी तरीके से आपको सेम इसमें भी डालना है, अलटना पलटना नहीं है बिल्कुल भी। और रोटी जैसे अलट पलट कर बेलते हैं वैसे आपको ये बिल्कुल भी नहीं बेलना है, एक ही साइड से आपको सब करना है। तो पूरी बहुत ही अच्छी बनती है। इसी तरीके से आप जितनी भी गोलियां हैं आपकी वो सब आपको बना लेना है। थिकनेस पे हम आपको दिखा दिए, उतनी ही थिकनेस रखना है। देखिए हमारी जो पूरी है वो हमने बेल लिया है, तेल यहाँ गरम हो गया है। एक एक पीस आपको डाल कर इसके ऊपर आपको तेल डालना है अच्छी तरीके से। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, सेम एकदम पानी पूरी की पूरी है। देखिए इसी तरीके से आपको तेल डालते रहना है। देखिए एकदम रेडीमेड जो पानी पूरी रहती है वैसे ही बन गई है। मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छे तरीके से सैलड पलट कर फ्राई कर लेना है। देखिए हमारी ये दोनों चारों हो गई है, हम निकाल लिए इसे, और जो राउंड है वो हम डाले हैं। देखिए इसकी खुशबू भी बहुत ही मस्त आ रही है। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी पानी पूरी ये बनी है, पानी पूरी की पूरी। आप बाहर से जो तीखा मीठा मीठा लाते हैं वो लाकर फटाफट से खा सकते हैं रेडीमेड पानी पूरी। देखिए आपको मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर फ्राई कर लेना है। तेल आपको ऊपर ऊपर से डालना है अच्छी तरीके से। देखिए हमारा जो सेकेंड राउंड है वो भी निकल गया है। और आपको एक चीज़ बताते चलूं कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से तेल नहीं डालेंगे पूरी के ऊपर तो देखिए आपकी पूरी इस तरीके से हो जाएगी, चपटी रह जाएगी, फूलेगी नहीं है तेल आप अगर नहीं डालेंगे तो। देखिए ये एकदम बाजार वाली पानी पूरी लग रही है, वैसी बनी ही ये लग रही क्या है, खाने में भी वैसे ही है वो। जितनी आपकी ये गोली है वो सब आपको बेल लेना है। देखिए जो मैं बोली थी कि एक साइड से ही आपको करना है, तो हमारे जो आती है पानी पूरी उसमें एक साइड फोड़ने वाला जो रहता है जिसके ऊपर नरम पपड़ी रहती है, तो देखिए ये एक साइड जो रहता है देखिए ये नरम है तो ये फोड़ने वाली रहती है एक साइड से, एक साइड मोटी वाली रहती है। इसीलिए जो शेप में आप बेले हो जैसे बेले हो वैसे ही आपको डालना है पैन में, नहीं तो फिर पूरी गलत हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और तेल आपको डालते ही रहना है, नहीं तो ये ऐसी चपटी रह जाएगी आपकी पूरी। और ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं करना, एक से दो बस तो अच्छी तरीके से फूल जाएगी, ज़्यादा डालेंगे तो फिर ऐसे ही चपटी रह जाएगी। एक एक डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बनेगी। तेल आपको डालते ही रहना है, मैं जो अभी आपको ये वाली बताई इसके ऊपर तेल नहीं गया था, आप लोग को बताने के लिए हमने नहीं डाला था तेल की ऐसी हो जाएगी।
पलट पलट कर आपको करना है। हमारी फाइनली पानी पूरी की पूरी रेडी हो गई है। देखिए जैसे रेडीमेड वाली रहती है सेम वैसे ही बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बनी है। तो चलिए मैं यहाँ वीडियो एंड करती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, वीडियोस को लाइक नहीं की हो तो कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel, like my video, press the bell icon, share my video. Thank you.